हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू एकाग्रता सीए। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से चैट में मेरे को लिख के बताओ, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? माय सेल्फ सी अभिषेक बंसल फ्रॉम मुंबई, आई विल बी टेकिंग योर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज एंड एडवांस ऑडिटिंग एंड एथिक्स। जल्दी से बच्चों चैट में लिख के बताओ, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कैसन बा, कैसन बा, हाउ इज द जोश? खमागानी, वेरी हाई, वेरी हाई, क्या बात है, बहुत शानदार। सो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे सेकंड क्लास, जहां पर हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट के बेसिक्स के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, एंड देन वी विल स्टार्ट विद मोर बेसिक थिंग। जल्दी से मुझे चैट में लेकर, कल हमने क्या था कंपनीज एक्ट का ईयर कौन सा है बच्चों? कंपनीज एक्ट का ईयर कौन सा होता है? जल्दी से चैट में लिख के बताओ, कंपनीज एक्ट चैट में लिख के था, कंपनीज एक्ट का ईयर कौन सा होता है? सर 2013। जब हम लोग रूल्स की बातें करते हैं बच्चों, रूल्स की बातें करते हैं, रूल्स के लिए कौन सा ईयर हमको लिखना है? रूल्स के लिए कौन सा ईयर लिखना है हमको? चार्ट में लिख के बताओ जल्दी से, 2014। जिन भी बच्चों को पूरी क्लास चाहिए, क्योंकि अभी यूट्यूब आई थिंक 7-8 दिन 10 दिन का यूट्यूब का सेशन है, उसके बाद से पूरी क्लासेस शिफ्ट हो जाएंगी एकाग्रता ऐप पे, तो यू कैन विजिट ekagrata.co.in टू By the lectures and download the app, and वहां पर आपको पूरे lectures का access मिलेगा। So guys, 2014 is a rules। अच्छा मेरे को बताओ, इंडिया में हमने कहा था बहुत प्रकार के कंपनी है, पर इंडिया में हमेशा ध्यान रखना मेन दो ही प्रकार के कंपनी होते हैं, पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी। अगर मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि वो कंपनी है, अगर वो कंपनी है, नाम के पीछे क्या होना चाहिए बच्चों? नाम के पीछे क्या होना चाहिए अगर वो कंपनी होती है तो? चैट में लिख के बताओ। हाँ तो चैटे होनी चाहिए, चैटे। मम्मी पापा को भी बताओ कि हम पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से भी पढ़ाई होती है, ऐप से भी पढ़ाई होती है, ऑनलाइन में भी पढ़ाई होती है। सर इंडिया में, इंडिया में नाम के पीछे क्या होना चाहिए? लिमिटेड होना चाहिए या प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए? बरोबर। अच्छा अगर मैं कहता हूँ प्राइवेट कंपनी है बच्चों, प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? प्राइवेट कंपनी में बच्चों मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? चैट में लिख के बताइए, 2। पब्लिक में, पब्लिक में, पब्लिक में 7। पब्लिक में कितने होते बच्चों? 7। प्राइवेट में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते बच्चों? प्राइवेट में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? प्राइवेट में, प्राइवेट में मैक्सिमम मेंबर्स 200। सर 200 होते। एंड वहां पर पब्लिक में अनलिमिटेड, पब्लिक में अनलिमिटेड होते हैं, पब्लिक में अनलिमिटेड। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? सर 2। पब्लिक में, पब्लिक में, पब्लिक में सर मिनिमम होते हैं 3। मिनिमम होते हैं वहां पर 3। बरोबर। अच्छा अब आपको आइडेंटिफाई करना, आपको टर्म बताना है। एक ऐसा आदमी जो सोचा, सपना देखा कि मैं कंपनी शुरू करूंगा, कंपनी का नाम एकाग्रता रखूंगा, कंपनी का ऑफिस एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे रखूंगा, उस आदमी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी से चैट में लिख के बताइए, उस आदमी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? उस आदमी को हम कहते हैं प्रमोटर। फिर क्या किया उसने? एक और आदमी को पकड़ा, प्राइवेट कंपनी बना दी, साथ में पांडव को पकड़ा, पब्लिक कंपनी बना दी। वो लोग क्या किए? वो लोग दो इंपॉर्टेंट कागज पर साइन किए। जैसे वो लोग कागज पर साइन किए, तो उस फेज में उनको क्या बोलता है? उस आदमी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उस आदमी को इंग्लिश में कहते हैं सब्सक्राइबर्स, दिल्ली डायरेक्टर नहीं, सब्सक्राइबर्स। क्या कहेंगे बच्चों उसको अपन? सब्सक्राइबर्स। अरे यार शी,
उसको हम कहेंगे सब्सक्राइबर्स। जैसे ही कंपनी पैदा हो जाती है उनके पास शेयर्स आ जाएंगे, जैसे ही शेयर्स आ जाएंगे उनको वो बन जाएंगे हमारी कंपनी के मेंबर्स। अब कंपनी को रन करना पड़ेगा, कंपनी को रन करना पड़ेगा, तो जब वो कंपनी को रन करेगा, कंपनी को जब वो चलाएगा वो आदमी, उस केस में उस आदमी को क्या बोला जाएगा बच्चों? जैसे ही कंपनी पैदा हो जाती है वो कंपनी को चलाएगा, उस केस में आदमी को क्या बोला जाएगा बच्चों? डायरेक्टर। क्या बोला जाएगा बच्चों उसको? डायरेक्टर। क्या बोला जाएगा? डायरेक्टर। बहुत शानदार। क्या आपको इतना बेसिक याद है? वसूल है पैसा, जिन्होंने पैसे दिए। ठीक है। सो आज मैं आपको कुछ चीजें लिखवाऊंगा भी, सिखाऊंगा भी। पहले हम लोग वहां प्रीलिमिनरी वाली यूनिट खत्म, आज खत्म हो जाएगी आपके प्रीलिमिनरी वाली यूनिट। ठीक है। तो देखिए, हमने बात की थी एप्लीकेबिलिटी की। सर ये किसको एप्लीकेबल है? फॉर द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ का मतलब क्या होता है बच्चों? कंपनीज एक्ट 1956। साथ में और किसको लगता है सर? इंश्योरेंस कंपनी को, बैंकिंग कंपनीज को, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी को, एनी अदर जो सीजी बताएगा उनको भी एप्लीकेबल है। ठीक है। ये किसको एप्लीकेबल होता है सर? इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। किसको एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया। फिर यहाँ हम लोग रुक गए थे, हमने बात की थी एप्लीकेशन के लिए सेक्शन नंबर 1 होता है, जब डेफिनेशन की बातें होती है तो सेक्शन नंबर 2 होता है। डेफिनेशन की बात होती है सेक्शन नंबर 2। अब यहाँ से आपके डेफिनेशन शुरू होते हैं। सो 1 से लेके आई थिंक 93 तक आपको कवर किया हुआ लोग ने, कि 91 तक, 93 तक आपको कवर किया। हम एक एक चीज को रीड करेंगे, जो रेलेवेंट चीज है जो एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकती है उसको अपन लिखेंगे बुक के अंदर, जो नहीं आ सकती उसको छोड़ देंगे, खाली रीड करने का नॉलेज के लिए। डेफिनेशन है तो 93 डेफिनेशन जैसे आप खत्म कर दोगे सर, 93 डेफिनेशन है, 93 डेफिनेशन, उसके अपन कर लेंगे क्वेश्चन। क्या कर लेंगे उसका अपन? क्वेश्चन। क्लियर। अब कुछ इंस्ट्रक्शन जो आज मुझे पहली बार देख रहे हैं बच्चों, जिनकी आज डेब्यू क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर वाले बच्चों प्लीज यूज ईयरफोन, इट इज मैंडेटरी। प्लीज यूज ईयरफोन, इट इज मैंडेटरी अपनी क्लास में। जो बच्चे स्पीकर पे देख रहे हैं, किसी की मम्मी मेरे को देख रही थी, पलक की मम्मी में देख रही है, मम्मी जी पाए लागू, आशीर्वाद दीजिए, तंटा हमारा हो जाए। कॉपी पे लिखे अभी नहीं, रुको मैं बताऊंगा क्या लिखेंगे, पहले सुन लो पहले बात है। तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बच्चों आज की पहली सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। हम आज सीख रहे हैं बच्चों 2-7-7, क्या ये हमारे रिलेटिव? कितने लोग चाहिए मेरे को बच्चों? 2-7-7 सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 77। तो जो डेफिनेशन क्लॉजेस होते हैं, मतलब जो लिस्ट होती है उसको हम सब सेक्शन नहीं कहते, उसको हम लोग कहते हैं क्लॉजेस। क्या सीखने जा रहे हैं आज हमारे रिश्तेदार? जो मैं आपको अभी रिश्तेदार सिखाऊंगा तो मम्मी पापा को बता देना आपसे हमारे यही रिश्तेदार है। कितने लोग चाहिए बच्चों अपने को? 2-7-7। कितने लोग चाहिए बच्चों? 2-7-7। तो मम्मी पापा को कह देना कि आपसे हमारे यही रिश्तेदार है। इसके बाद अगर आपको मिलती है फ्लाइंग चप्पल बच्चों, आई एम नॉट लाइबल। क्या मिलती है आपको? फ्लाइंग चप्पल, तो आई एम नॉट लाइबल, ध्यान रखिएगा। अब सर रिश्तेदार कौन होता है? सर रिश्तेदार पहले मी आणि माझी बायको, मराठी में बायको मतलब बोलते हैं अपन सगी बीवी, मेरी माई और मेरी सगी बीवी। ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हम लोग हस्बैंड एंड ओन वाइफ। सो माई वाइफ नेम इज बेबी, ए बी की बेबी। क्या बोलते इसको? मन ए बी की बेबी, हस्बैंड एंड ओन वाइफ, ओन्ड ना रे, ओन ओन खुद की बीवी। नंबर 2 कर्तास एंड कार्यकर्ताज, कर्ताज एंड कार्यकर्ताज। एक आदमी करता है, बाकी लोग उसकी मदद करते हैं। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। क्या कहते हैं बच्चों इसको?
मेंबर्स ऑफ HUF, ये हो गया आपका हस्बैंड एंड वाइफ। तीसरा HUF मतलब सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा होता है अदर्स। बच्चों अदर्स का मतलब, इमेजिन देयर इज अ गाय कॉल्ड योयो, इमेजिन देयर इज अ गाय कॉल्ड योयो, तो उसके लिए पापा पहले रिश्तेदार कौन हो जाएंगे बच्चों? पापा। कुछ लिखना नहीं, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, कुछ लिखना नहीं लिखने के लिए, आपको टाइम दूंगा मैं। पापास। दूसरा है मामास। बच्चों व्हेन आई से पापास मतलब वन वन पापा या चूचू पापा, चैट में लिख के बताइए बच्चों, वन वन पापा या चूचू पापा। वन वन पापा या चूचू पापा? सर चूचू पापा। सर चूचू पापा कैसे होएंगे? एक तो अपने ओरिजिनल पापा, एक तो अपने ओरिजिनल सगे पापा, दूसरे सौ थेले पापा मतलब स्टेप फादर। मतलब कौन? स्टेप फादर। बाबू ना ना ना, वाइफ के पापा नहीं, नहीं नहीं नहीं, ससुर जी नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं तो घर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ससुर जी ठीक है हमारे रिश्तेदार नहीं है, ओनली फॉर कंपनीज एक्ट। देखो मेरे को घर पर रहने का, खाने का भी प्रबंध है अपना, रात का तकलीफ हो जाएगा नहीं तो अपने को, खाना खाने का, खाना खाने का, खाना खाने का, ठीक है? सो ससुर जी हमारे रिश्तेदार नहीं है, ओनली फॉर डेफिनेशन। ओके बाबू माय रियल वाइफ, ठीक है? तो बेबी केम, जब भी मैं डेफिनेशन पढ़ाता हूँ आई हैव टू बी वेरी कॉशियस कि मेरे को तो भैया लंच और डिनर दोनों का प्रबंध करना है ना अपना, नहीं तो पता वॉचमैन के साथ सोना पड़ेगा अपने को, ठीक है? सो पहला पापा कौन सर? अपने ओरिजिनल पापा, और दूसरे स्टेप फादर। तो यहां पर बोलेंगे अपन इंक्लूडिंग स्टेप। सर ममाज मतलब, अरे मामा नहीं रे, इंग्लिश वर्ड इंग्लिश ममाज। ममाज मतलब एक तो अपनी ओरिजिनल मम्मी, एक बाजू वाले आंटी भी अपनी मम्मी, मतलब सर सब अपने अपने आंटी को इमेजिन कर लेना बेटा, इंक्लूडिंग स्टेप। तीसरा ब्रदर्स सिस्टर्स। सर ब्रदर्स मतलब एक तो अपना ओरिजिनल भाई और एक अपना सौ थेला भाई। सर सिस्टर्स मतलब एक तो अपनी ओरिजिनल बहन और एक सौ थेली बहन। इंक्लूडिंग स्टेप, इंक्लूडिंग स्टेप। देन फिर बॉयज, ये तुम्हारे लिए है सबसे इंपॉर्टेंट, सन्स बेस्ट पार्ट। सर अपना बेटा बेटा, बाकी आपको भी पता है कीप ऑन ट्रैवलिंग, जैसे अभी अहमदाबाद चेन्नई बैंगलोर दिल्ली, फिर एक अनडिस्क्लोज लोकेशन में हम जाएंगे, बराबर? आई कीप ऑन ट्रैवलिंग, कहीं भी गली मोहल्ले में से अब्बा जान बोलते हुए निकला, वो भी अपना ही है। मतलब अपना बेटा बेटा, बाकी सौतेला बेटा भी अपना बेटा। द बेस्ट पार्ट, द बेस्ट पार्ट बॉयज, देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्टेमिना। देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन स्टेमिना, ठीक है? सन्स के नीचे कौन? सन्स वाइफ, अपने मारवाड़ी में बोलते हैं इसको बहुरानी, बहुरानी। फिर डॉ टर, क्या बच्चों ये डॉ टर इधर भी आ जाएगा इंक्लूडिंग स्टेप, क्या बच्चों ये डॉ टर, डॉ टर, डॉ
डॉटर मतलब सर, ए बाबू अपनी बेटी बेटी, सौ तेली बेटी नो बेटी, सौ तेली बेटी नो बेटी। जिस भी लोगों को दुख हो रहा है कृपा करके दिल्ली जाइए, मोर्चा लगाइए वहां पर, मोदी जी हाय हाय, एबी सर हाय हाय, एमसी हाय हाय, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। यहां पर कंपनी सेक्रेटरी बोले डॉटर डॉटर, जिसको भी दुख हो रहा है, कौन है सौतेला क्लास में, कौन है यहां पर है, मेरे को नहीं पता, सॉरी। डॉटर के नीचे सर कौन आएगा, डॉटर्स हस्बैंड, सर मारवाड़ी में अपने इसको कहते हैं कुबरसा, आई डोंट नो इन अदर लैंग्वेजेस, सॉरी मेरे को बता दो अगर किसी को पता होगा तो, मैं लिख दूंगा, मारवाड़ी में अपने कहते हैं कुबरसा। तो ये अपना प्यारा सा छोटा सा परिवार है बच्चों, ये अपना छोटा सा प्यारा सा परिवार है, रिलेटिव, याद करना पड़ेगा, काम आएगा जिंदगी में, कंपनी सेक्ट में तो आएगा आएगा, बाकी जगह भी काम आएगा। सर सेक्शन नंबर क्या है, 277, सेक्शन नंबर क्या है बच्चों, 277 रिलेटिव, ठीक है। सर पहले कौन आएगा, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ। नंबर टू मेंबर्स ऑफ HUF, तीसरा अदर्स, अदर्स में ऊपर कौन, पापास मम्मास, ब्रदर्स सिस्टर्स, सन्स सन्स वाइफ, डॉटर, क्या बोलोगे आप, डॉटर, डॉटर के नीचे कौन है बच्चों, डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर, डॉटर में स्टेप डॉटर इंक्लूडेड नहीं है। अब वो क्यों है क्यों नहीं है मेरे को नहीं पता, कन्नड़ में कहते हैं मगलू, ओह नाइस, थैंक यू राघवेंद्र। कैसा लगा बच्चों डेफिनेशन, याद रहेगा, याद रहेगा तुमको, ठीक है। अब आ जाइए दूसरी डेफिनेशन सिखाता हूं, अभी लिखेंगे थोड़ी देर में, पहले सुन लो सब, दूसरी डेफिनेशन। अरे सर आप मेरे को बताना बच्चों, इंडिया में, इंडिया में हाँ मरुमगन, तमिल में मरुमगन कहते हैं, राइट गाइस, चीयर्स। आप मेरे को बताओ, इंडिया में हम लोग अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते कि फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते, इंडिया में अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते कि फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते, चार्ट में लिख के बताइए, हम लोग इंडिया में अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे कि फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे, सर इंडिया में दोनों सेम होता है, अरे पगलो दोनों सेम होता है बाबू, दोनों सेम होता है, सेम होता है, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस नहीं, तुम्हारे अंदर कमोड सेंस है, कमोड सेंस, ठीक है, दोनों सेम होते हैं। अब जनरली हम लोग फॉलो करते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। देखो बीकॉम वाले बच्चे कह रहे कैलेंडर ईयर, यही प्रॉब्लम है बीकॉम वालों की, ICICA एग्जाम में जो पूछते हैं उसके हिसाब से जवाब नहीं देना है तुमको, अलग ही चलना है जीवन में, पूछा क्या कैलेंडर ईयर, नहीं पूछा ना तो कैसे देने का, स्टॉप बिहेविंग लाइक अ बीकॉम स्टूडेंट, बिहेव लाइक अ सीए स्टूडेंट, एकदम मालवड़ी आदमी, बनिया आदमी, जितना पूछा अपने को उतना ही जवाब देने का बस, ठीक है। आपका लेक्चर आने वाला होता है ऐसा लगता है कि कोई बड़ी मूवी रिलीज होने वाली है, अरे अरे पगले रुलाएगा क्या, वन शॉट फोटोग्राफी, जरा अपने आधार कार्ड के नाम से आओ, इसमें आपका नाम है वन शॉट फोटोग्राफी, आपका नाम वन, फिर शॉट किसका नाम है पता नहीं, फोटोग्राफी सरनेम, आधार कार्ड का नाम लिख रहा है, मम्मी पापा इतना अच्छा नाम दिए है, थोड़ा सा नाम वाम से आया करो बच्चों यार, अच्छा लगता है हमको भी, अच्छा है तो बोलो वन शॉट कम यार, अच्छा लगे, इट लुक्स सो चीप। शैल मेहता, अब आया ना, अच्छा शैल मेहता, अच्छा आप देखो अभी इधर, सो इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं अप्रैल टू मार्च, ठीक है, तो अप्रैल टू मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर बोल लीजिए, आप इसको अकाउंटिंग ईयर बोल लीजिए। तो प्रॉब्लम क्या होती है सर, कंपनी से एक ने डिफाइन किया फाइनेंशियल ईयर को, वो बोलते हैं अप्रैल टू मार्च जनरली होगा, बट सर ऐसा जरूरी थोड़ी कि सारी कंपनी 1 अप्रैल को ही पैदा हुए,
कुछ सर 10 अप्रैल को पैदा हो सकती है, कुछ 15 जून को भी तो इनकॉर्पोरेट हो सकती है, कुछ सर 15 जुलाई को हो सकती है, कुछ 11 नवंबर को हो सकती है, कुछ सर अपने 2 फेब को हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि सर जब हम बात करते हैं फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, जब हम बात करते हैं फर्स्ट फाइनेंशियल की, इंडिया ने क्या कहा, कंपनीज एक्ट ने अप्रैल टू मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। क्या कहा बच्चों? अप्रैल टू मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। पर सर प्रैक्टिकली अभी जैसे अगर मैं बोलता हूँ मैं जून में इनकॉर्पोरेट हुआ, सर मैं अप्रैल में जून तो था ही नहीं ना, मैं तो जून में इनकॉर्पोरेट होता, जून टू 31 मार्च पकड़ेंगे ना अपन तो। अच्छा सर अगर आप 2 फेब को इनकॉर्पोरेट होते हो, 2 फेब को, तो सर फेब और मार्च 2 ही महीने का आपका फाइनेंशियल ईयर होएगा। तो प्रॉब्लम कब होती है? मेरे फर्स्ट फाइनेंशियल में। सी अगले साल से तो क्या होएगा, अप्रैल टू मार्च अप्रैल टू मार्च अप्रैल टू मार्च चलेगा। अगले साल से क्या होगा बच्चों? अप्रैल टू मार्च चलेगा। बट सवाल ये उठता है जब मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर आता है, सर मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर में क्या होएगा सर? अब ध्यान से देखना, तो ये लोग ने फाइनेंशियल को डिफाइन किया, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। सो जनरली तो आप हमेशा फॉलो करोगे सर क्या, अप्रैल से लेके 31 मार्च का। बट सवाल ये होता है सर मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कैसे होगा? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इतना क्लियर आपको, फर्स्ट फाइनेंशियल कैसे होगा? अब ध्यान से सुनना, इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और बिफोर इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और बिफोर 31 डिसंबर, इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर तक या उससे पहले, सो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है इट वुड एंड, इट वुड एंड द फाइनेंशियल ईयर वुड एंड ऑन, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आने वाला 31 मार्च, आने वाला मतलब कमिंग 31 मार्च, क्या बोलेंगे इसको, कमिंग 31 मार्च। बट इफ यू आर इनकॉर्पोरेटेड, इफ यू आर इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 31 दिसंबर, आफ्टर 31 दिसंबर मतलब सर कभी, 1 जैन एंड ऑनवर्ड्स, 1 जैन एंड ऑनवर्ड्स, देन द फाइनेंशियल ईयर वुड एंड ऑन, वुड एंड ऑन, अभी पता है जनवरी में, तो जनवरी फरवरी मार्च अभी आने वाला है 31 मार्च, तो इस केस में फाइनेंशियल ईयर वुड नॉट एंड ऑन आने वाला, इट वुड एंड ऑन अगले साल, मैं हिंदी में लिखवा रहा हूं इसीलिए, अगले साल मतलब अगले साल 31 मार्च, मतलब सर नेक्स्ट 31 मार्च, नेक्स्ट 31 मार्च, आराम से वापस से करेंगे, टाइम लगेगा इसको समझने के लिए। देखो अभी जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे इंडिया में अप्रैल टू मार्च फॉलो होता है, बट हर कंपनी अप्रैल को तो, 1 अप्रैल को तो पैदा नहीं होएगी, 1 अप्रैल को तो इनकॉर्पोरेट नहीं होएगी, क्या बोलेंगे अगर हम लोग पैदा हो गए टिल 31 दिसंबर, टिल 31 दिसंबर तक आप पैदा हो गए हो, आप अप्रैल में पैदा हो, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 31 दिसंबर तक अगर आप पैदा हो जाते हो, तो अभी 31 मार्च आने वाला है, बराबर 31 मार्च आएगा, जैन 5 मार्च, तो आपका फाइनेंशियल जिस दिन आप पैदा होते हो उस दिन से लेके टिल 31 मार्च। अब एग्जाम्पल देखिए तो क्लियर हो जाएगा सर, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड डेट देखना, 25th July 2022, इफ आई एम इनकॉर्पोरेटेड ऑन 25th July 2022, तो सर मेरा फाइनेंशियल ईयर कैसे होगा सर? सो मेरा फाइनेंशियल ईयर होगा 25 जुलाई 22 से शुरू होगा, टू डेट लिख के बताइए अभी, डेट लिख के बताइए, थर्टी फर्स्ट मार्च 23,
क्या बोलेंगे अपन, आने वाला सर 31 मार्च 23, समझा? तो ये मेरा हो गया फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्या ये 12 महीने का है? नहीं सर, 25 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का था ना सर, ये तो 25 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का, तो उतना मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जाएगा। सर ईयर टू में क्या, फिर अप्रैल टू मार्च, ईयर थ्री अप्रैल टू मार्च, अब अप्रैल टू मार्च चलेगा। समझा आपको ये बेसिक? ये दिक्कत का बात है जब मेरे को फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर देखना होता है तब ये प्रॉब्लम होती है। अब इधर का एग्जांपल देखिए, अगर हम लोग इनकॉर्पोरेट होते हैं, इनकॉर्पोरेट होते हैं बच्चों 2 जनवरी 23, हम लोग इनकॉर्पोरेट कब हुए बच्चों? 2 जनवरी 23, 2 जनवरी 23। सर मैं 1 जैन या उसके बाद पैदा हुआ हूं, मतलब 31 दिसंबर के बाद। अभी क्या होगा मेरे पास मार्च में भी, मार्च आएगा ना मार्च, तो मेरा इस केस में फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा सर? 2 जनवरी 23। अभी 31 मार्च आने वाला है, तो वो 31 मार्च नहीं होएगा बच्चों, वो 31 मार्च नहीं होएगा। कब होएगा सर? अगले साल वाला, अगले साल वाला, मतलब सर 31 मार्च 24। सर क्या ये 12 महीने है? नहीं, ये तो 15 महीना हो गया, तो मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर 15 महीने का हो जाएगा। फिर अगले साल से अप्रैल टू मार्च चलेगा। समझा आपको फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन? बच्चों क्या इतना क्लियर है? तो ये आपको छोटे छोटे एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। अब एग्जाम में देखो, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था, इंस्टीट्यूट आपको कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कहानी बना के पूछेगा। सो एक बार फिर से एक बार रिकॉल कर लेते तो क्या सबको क्लियर हो जाएगा। जनरली मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? अप्रैल टू मार्च होता है। बट सवाल ये होता है मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कैसे हुए? अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है टिल 31 दिसंबर, सो मेरा फाइनेंशियल ईयर वुड बी एंडिंग ऑन दी आने वाला 31 मार्च, मतलब कमिंग 31 मार्च। ठीक है, ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अगर मैं कहता हूँ कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जैन के बाद, तो मे बी 31 मार्च आने वाला भी होगा, तब मेरा फाइनेंशियल ईयर तब खत्म नहीं होगा। माई फाइनेंशियल ईयर वुड एंड ऑन अगले साल का 31 मार्च, अगले साल का 31 मार्च, मतलब सर नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च। फिर बाद में ईयर टू से अप्रैल टू मार्च चलता रहेगा। क्लियर है बच्चों इतना? अब देखो, तो जो जो डेफिनेशन काम के पहले मैं वो करा रहा हूँ, फिर रीडिंग अपन एकदम सारी करेंगे। मैं हूँ मॉड्यूल के पेज नंबर 1.12 पे, अगर किसी के पास है मॉड्यूल तो, नहीं है तो कोई नहीं, सामने स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है। सर फाइनेंशियल ईयर मींस अ कंपनी, जो कंपनीज एक्ट में हुई है, और अ बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट ऑल्सो इंक्लूड्स कंपनी, इसमें फॉरेन कंपनी भी हो जाती है, इसमें LLP भी हो जाती है। तो बॉडी कॉर्पोरेट बहुत बड़ा टर्म है जिसमें कंपनी एक छोटा सा हिस्सा होता है। मींस द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च एवरी ईयर बराबर अप्रैल टू मार्च, एंड वेयर इट हैड बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ अ ईयर, देन द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर, मतलब अगले साल, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच वेयर द FS ऑफ द कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट इज मेड अप, मतलब आने वाला, अगर अप टू 31 दिसंबर है तो आने वाला, 1 जनवरी उसके बाद अगर आप पैदा होते हो तो अगले साल का 31 मार्च। अब अगर आप एक कंपनी हो विच इज अ होल्डिंग कंपनी, मैंने सिखाया नहीं आपको होल्डिंग, अभी बताऊंगा बाबू। विच इज अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी पेंडिंग है बेबी, और एसोसिएट कंपनी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका जो माई बाप कंपनी है, कहां पर है सर? वो विदेश में है, फॉरेन में। अब विदेश में तो अपने को नहीं पता क्या फॉलो करते, हम लोग तो आज इंडिया में रहते हैं ना, हमको तो इंडिया का पता सर, आधार कार्ड है हमारे पास, तो इंडिया में तो आप अप्रैल टू मार्च फॉलो करते हो, विदेश में क्या फॉलो करते हैं अपने को नहीं पता। अब वहां पर अज्यूम करो जैन टू डिसंबर फॉलो करते हैं, जैन टू डिसंबर मतलब सर कैलेंडर ईयर, इंडिया में अप्रैल टू मार्च फॉलो कर रहे हैं, वहां पर जैन टू डिसंबर फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपको, क्योंकि आपको उनके साथ मर्ज होना पड़ेगा, सिखाऊंगा आपको होल्डिंग सब्सिडी कैसे देखते हैं, सो एंड यू हैव टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, यू हैव टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, तो क्या करने का आपने को? द सीजी मे ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाई दैट कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट इन सच फॉर्म एंड एज मे बी प्रिस्क्राइब अलाउ अ पीरियड एज इट्स फाइनेंशियल ईयर, वेदर इट इज अ ईयर और नॉट,
मतलब आप जाओगे सीजी के पास, हे सीजी, हे माय बाप, मेरे जो कंपनी है वो विदेश में रहती है, वो लोग जैन टू दिसंबर फॉलो करते हैं, तो मेरे को इंडिया में भी जैन टू दिसंबर फॉलो करना है, तो सीजी को आप अप्लाई करोगे एंड सीजी आपको जैन टू दिसंबर दे देगा। ऐसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री है जहाँ पर 10 महीने का अकाउंटिंग ईयर होता है, जैसे अस्यूम करो नॉर्वे, वॉर्वे, ठीक है, वहाँ पर पूरा 2 महीना कंट्री बंद रहती है, तो भैया वो 2 महीने तो कुछ होता नहीं, तो हमको 10 महीने का फॉलो करना है, अलाउड है। यहाँ पर आपका एक एमसीक्यू छुपा हुआ है, कौन आपको परमिशन देगा? सीजी आपको परमिशन देगा। कौन आपको परमिशन देगा? सीजी आपको परमिशन देगा। सो इफ यू वांट टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, आप कब फॉलो कर सकते हैं? जब आपका कोई फॉरेन कंपनी के साथ रिश्ता होगा तभी आप फॉलो कर सकते हो। प्योर इंडियन कंपनी तो आपको अप्रैल टू मार्च ही फॉलो करना होगा। अगर आपको कोई फॉरेन कंपनी के साथ कोई रिश्ता होगा तो आप किसको अप्लाई करोगे बच्चों एमसीक्यू के लिए? सीजी। इसको अप्लाई करोगे आप सीजी को अप्लाई करोगे। क्लियर है? तो इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, आते हैं। अब एक छोटा सा एक एमसीक्यू है, ये देखिए आपको आता है क्या। तो हाथ के हाथ क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ग्रीन लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 3rd January 2022 एज पर कंपनीज एक्ट 2013 व्हाट विल बी द फाइनेंशियल ईयर फॉर द कंपनी? चैट में लिख के बताइए। सर 3rd January को पैदा हुई है, मतलब 1 January के बाद पैदा हुए, तो आने वाला 31st March, आने वाला 31st March, मतलब 31st March 2023, तो मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए सर सी। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? मेरा सी। फर्स्ट का आंसर है सी, 31st March 2023। सबका आंसर राइट है। क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, देखो राइट गया आंसर। तो एग्जाम में इंटर लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट थ्योरी नहीं आएगी बच्चों, डायरेक्ट थ्योरी नहीं आएगी, आपको केस बनकर आएगा, केस बनकर आएगा, कहानियां बनकर आएंगी, समझा बेटा? YouTube का आपका 200 MB का नेट वसूल हुआ, जिन्होंने पैसे भर दिए उनके 10 रुपये वसूल हुए बच्चों, समझा कैसे क्वेश्चन आते हैं? क्योंकि देखो पहला अटेम्प्ट है, May 24, मैंने आपको कहा आप लोग एक्सपेरिमेंट वाले लोग हो, तो मॉडल करना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है, मॉडल करना बहुत जरूरी है। आ जाओ अभी कुछ बेसिक डेफिनेशन है, जो रीड करनी है वो रीड कर लेते हैं, जो नहीं करनी है वो छोड़ देंगे अपन। हमेशा ध्यान रखना जो डेफिनेशन की बातें कहाँ लिखी है बच्चों, सेक्शन 2 में लिखी हुई है डेफिनेशन की बातें, सेक्शन 2। सब क्लॉजेस याद होते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यार आवाज नहीं आ रही है क्या? कुछ बच्चे कह रहे आवाज नहीं आ रही है, यहां से तो मैं तो पूरा ही बोल रहा हूं। लो है, ऐसे कैसे लो हो सकता है? ऐप वालों आपको आवाज आ रही है? क्लियर है ना? थोड़ा सा स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा लो, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। यार माइक तो नया है यार, खर्चा किया यार, यूट्यूब का वॉल्यूम मैं कैसे बढ़ाऊंगा, मेरे को नहीं आता बढ़ाने को। मैं देखता हूँ, कल देखता हूँ कि मेरे को नहीं आता, मैं सीख लूंगा कैसे बढ़ानी है।
ठीक है। अब देखो कुछ डेफिनेशन है जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं आरटीपी। क्या कहते हैं उसको हम लोग? आरटीपी, र ट प, रीड इफ टाइम परमिट्स, आरटीपी, रीड इफ टाइम परमिट्स। ठीक है, अब्रिज प्रॉस्पेक्टस छोड़ दो, अभी नहीं पढ़ना है, ये जब प्रॉस्पेक्टस कराऊंगा तब आएगा। अकाउंटिंग शेयर के डेफिनेशन खाली रीड करनी है, कुछ काम की नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, देख रहे हो बच्चों तुम, देख रहा है विनोद कैसा है। एस मीन्स स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एनी अडेंडम, अडेंडम मतलब एडिशन फॉर कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज रेफर्ड इन सेक्शन 133। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग किसको एप्लीकेबल है? जो सेक्शन 133 में बताया गया है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में आएगा, मतलब आ गया है, उसमें कुछ भी एडिशन आएगा, कौन से सेक्शन के तहत आएगा? 133 के तहत आएगा। बताओ आप अभी अपने 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 दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या ये डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है बच्चों? बताइए क्या ये डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है? नहीं ना, 16 मार्क का आंसर है, एग्जाम क्वेश्चन कंपलसरी, फालतू तो एकदम बकवास। फिर ऑल्टर ऑल्टरेशन नहीं पढ़ना है, आर्टिकल नहीं पढ़ना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं समथिंग कॉल एज एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी, अब ध्यान से सुनना भी दोस्तों, कुछ बड़ी बातें आने वाली है अभी। कृपा करके प्लीज यूज द ईयरफोन्स, ध्यान से देखना भी। अब हम आपको सिखा रहे हैं होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन, सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन, एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन, ध्यान से सुनना भी। अब क्या हुआ है, एक बहुत ही फेमस कंपनी है दुनिया की, टर्नओवर 10,000 करोड़, ब्रांचेस पैन वर्ल्ड, नागालैंड, युगांडा, अफ्रीका, चंडीगढ़, दिल्ली, कलकत्ता, सब जगह है हमारी ब्रांचेस। भाई साहब हमारा जो प्रॉफिट है 4-5 हजार करोड़ रुपया पर क्वार्टर, 4-5 हजार रुपया पर क्वार्टर हमारा प्रॉफिट है, इतनी बड़ी कंपनी है। उस कंपनी का नाम है एबी लिमिटेड। ये कहानी है उस जमाने की, व्हेन आई वाज सिंगल, लॉन्ग बैक। अब एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, बेलपुड़ी खा रहा था। अब पता है बच्चों, अपने गांव में अपन खेलते हैं, ऑल द पीपल फ्रॉम राजस्थान हरियाणा, पता है अपने को टायर से खेलने का आदत है, तो हम तो टायर खेल रहे थे, मतलब टायर घुमा के खेलते अपन, भाग भाग के खेल होंगे तुम भी। अब ये सब साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली वालों को नहीं पता, साउथ कलकत्ता वालों को नहीं पता होगा, ये सारे बच्चे वो होते अपने राजस्थान वाले बच्चे, तो आ गया खेलते, ऐसे ऐसे हरकतें करते, दे विल स्पिट, मतलब ऐसे ऊपर जाएंगे चौथे पांचवें वाले पे, देखते हैं किसका थूक जल्दी पहुंचेगा, सुसु करेंगे किसका सुसु जल्दी जाएगा, ऐसे ऐसे हरकतें करते थे हम लोग। बिहार में भी खेलते थे, क्या बात है, बराबर। और भाई साहब देखो, नो ऑफेंस, बाई चांस कहीं पे पता है वो खुदाई हो रही होती है, कहीं पे खुदाई, अरे वो बुलडोजर लेके धक 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 धक, वैसा मशीन होती है, वैसा टी फॉर्म में एक मशीन होती है। भाई साहब क्या हो रहा है भैया? हाँ क्या हो रहा है, खुदाई हो रही है। अरे मस्त रे भाई साहब, आधा घंटा खड़े रहेंगे, क्या क्या मिला? मस्त खुदाई, अरे मस्त मस्त है, जैसी भी फुल मजे करते अपन जीवन में, ठीक है। अब क्या हुआ, तो मैं खेल कूद रहा था, अचानक से मैंने एक कन्या को देखा, वो कन्या ने मेरे को भी देखा, उसका नाम था बेबी। मैं उसको बोला आजा बेबी आजा, तुझे लंदन घुमा दूं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अपने पास तो क्या साइकिल है, वो दूध वाली, ट्रिंग 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 घंटी वाली। बेबी बोली चल भाग, की सैंडल निकाल के मारा, यहां खड्डा भी हो गया, खड्डा मेरे को यहां पर सबका है। अब क्या करने का, कुछ भी करने का,
पर अपना ईगो हट नहीं करने का, कुछ भी करने का, अपना ईगो हट नहीं करने का। अब अपने को तो यही पसंद है, अपना ही माल है तो अपने को तो यही पसंद है। तो अपन पता किए, बेबी जी की एक कंपनी है, बेबी जी की एक कंपनी है, अपन क्या किए, अपन ने क्या किया, बेबी जी के अंदर, बेबी जी के कंपनी के अंदर मोर देन 50% बच्चों, मोर देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अपन ने इन्वेस्ट कर दिया। मोर देन 50% ऑफ द अपन ने पेड अप शेयर कैपिटल वहां पर इन्वेस्ट कर दिया। दोस्तों यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, यहां पर सारी बातें जो है काल्पनिक, उनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी मैं कहना चाह रहा हूं, सारे शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वो क्लास के एग्जाम्पल के लिए यूज किया गया है, किसी के भी तहे दिल को ठोस पहुंचाने के लिए नहीं कहा गया है। अगर किसी भी कन्या को, महिला मोर्चा मंडल को, दिल्ली की जितनी भी एनजीओ, अगर आपको दुख होता है, बुरा लगता है, हम साष्टांग नमस्कार करते हैं, तहे दिल से आपको माफी मांगते हैं। ये बच्चों के काली लॉ को समझाने का एक हमारा अलग तरीका है, ठीक है। नहीं तो पता चला मेरा ये मीम निकाल के हम हमें को ट्रोल कर रहे। गौर से देखिए इस चेहरे को, यही वो टीचर है, एकाग्रता का टीचर, जहां टीचर बच्चों को कहता है माल माल माल, क्या माल, एग्जाम्पल है बच्चों, कोई ट्रोल नहीं करेगा मेरे को यहां पर, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। और मैंने मेरी बीवी को बोला, मैं डेमोक्रेटिक कंट्री, पैसा की बीवी है, ऑफिशियली शादी करके लेकर आया हूं, जो खड़ने के उखाड़ो तोड़ लो। अब मैं ने क्या किया, मोर देन 50% अपन ने बेबी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अपन बेबी जी को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे बच्चों। अरे मोर देन 50% तो अपना वाला सर, तो अपन बेबी जी को होल्ड कर रहे हैं। तो बेबी जी क्या हो गए आपकी सर, बेबी जी हो गए आपकी, अरे होल्डर नहीं बोलते रे बकले, क्या बोलते हैं इसको, होल्डिंग कंपनी, क्या बोलेंगे अच्छा अपन, होल्डिंग कंपनी। बेबी डर रही है, बेबी डर रही है, बेबी जी को क्या बोला जाएगा, सबसे डरी हुई कंपनी, क्या बोला जाएगा बेबी जी को, सबसे डरी हुई कंपनी। एबी को क्या बोला जाएगा बच्चों, होल्डिंग कंपनी, बेबी जी डर रही है, क्या सबसे डरी हुई कंपनी, सबसे डरी कंपनी। अच्छा अब अज्यूम करो हम लोग पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिए 100%, सर पूरी की पूरी बेबी जी हमारी, मेरी तुम्हारी मेरी हमारी मतलब मेरी 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 मेरी, ठीक है, हम पूरा इन्वेस्ट कर दे। पोगो वालों को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहां पर क्लास में। अब एक सेकेंड, तो भैया पूरी की पूरी हमारी हो गई, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी, क्या कहेंगे बच्चों इसको हम लोग, होली ओन्ड सब्सिडरी, होली ओन्ड सब्सिडरी 100% पे होली ओन्ड सब्सिडरी। सो एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है, एट व्हाट परसेंटेज डू यू बिकम सब्सिडरी, मोर देन 50%, यू बिकम मोर देन 50% पे यू बिकम सब्सिडरी, होली ओन पे बनते बन 100%, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, बेबी जी ने भी क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, किसमें, मोर देन 50% इन्वेस्ट कर रखा है, एक कंपनी है संता लिमिटेड, एक कंपनी है बच्चों क्या, संता लिमिटेड। तो बेबी जी ने भी इन्वेस्ट कर रखा है मोर देन 50% इन संता लिमिटेड। अब इमेजिन करो पिक्चर में इतना ही है, पिक्चर में इतना है, बेबी एंड संता है, तो मेरे को बताओ संता के लिए होल्डिंग कंपनी कौन होगी बच्चों, संता के लिए होल्डिंग कंपनी कौन होगी, चैट में लिख के बताइए, इस केस में संता के लिए होल्डिंग कंपनी कौन होगी, जो बच्चे कह रहे हैं बेबी, क्या बेबी, हाँ अबे वो मेरी बेबी है, बेबी लिमिटेड बोलो तुम, बेबी मैम बोलो, बेबी वो मेरी बेबी है, तुम्हारी बेबी नहीं है, सामूहिक बेबी नहीं है वो, नॉनसेंस, ठीक है, वो हो जाएगी बेबी लिमिटेड। बट बच्चों एक सेकेंड, बेबी जी पे हक तो एबी सर का है, बराबर, तो एट द एंड संता का बाप कौन, द क्वेश्चन इज संता का बाप कौन, मतलब संता के लिए मेन होल्डिंग कंपनी कौन होगी, कौन बोला रहे, मेरे को क्या पता, भगवान पाप देगा तेरे को, पाप देगा सर, संता के लिए एट द एंड मेन होल्डिंग कंपनी कौन होगी, एबी लिमिटेड, कौन होगी बच्चों,
एबी लिमिटेड। देखो अगर एक बचपन में सीखा था ऐसा कुछ, मैथ्स में सीखा होगा आप लोग ने, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, बेबी कट ए इक्वल टू सी, क्या हो जाएगा बच्चों, ए इक्वल टू सी। मतलब सर इफ अ होल्डिंग कंपनी अलॉन्ग विद इट सब्सिडरी होल्ड मोर देन 50% इन अनदर कंपनी देन दिस सब्सिडरी बिकम्स दी सब्सिडरी ऑफ दी मेन होल्डिंग कंपनी। दिस कंपनी बिकम्स दी सब्सिडरी ऑफ दी मेन होल्डिंग कंपनी। मेन होल्डिंग कंपनी कौन है? एबी लिमिटेड। इंडिया में अभी आपको फाइनल की बातें बता रहा हूं, इंडिया में खाली दो ही लेयर अलाउड है, सब्सिडरी जैसे बेबी जी हो जाएगी सब्सिडरी, एंड संता हो जाएगा क्या, सब सब्सिडरी। क्या हो जाएगा बच्चों? सब सब्सिडरी, सब्सिडरी एंड सब सब्सिडरी। ठीक है, अब एक और चीज, ध्यान से सुनना, एक और कंपनी है बंता लिमिटेड। बंता लिमिटेड ए बी होल्ड कर रहा है 30% इन बंता लिमिटेड। बच्चों ए बी लिमिटेड होल्ड कर रही है 30% बंता लिमिटेड, बीबी जी होल्ड कर रही है 15%, संता होल्ड कर रहा है 10% इन बंता लिमिटेड। द क्वेश्चन इज बंता अ सब्सिडरी, इफ येस ऑफ विच कंपनी, इज बंता अ सब्सिडरी If yes, of which company? चैट में लिख के बताइए। Yes, sir. Banta is a subsidiary for AB Limited. Banta is a subsidiary for AB Limited. Sir, मतलब English में सुना definition अभी। ए time pass नहीं सुना, अभी definition सुनो। If a holding company along with its subsidiary or subsidiaries, if a holding company along with its subsidiary or subsidiaries hold कितना परसेंट, more than 50%, बच्चों hold more than 50%, hold more than 50% in another company, then this another company becomes a subsidiary of the main holding company, then this company becomes a subsidiary of the main holding company। क्या आपको definition clear है holding subsidiary की? कैसा लगा बच्चों, मजा आ रहा है? अगर एक इंडिविजुअल पर्सन होल्ड कर रहा है तो भैया पहला चीज तो वो पॉसिबल नहीं है, अगर वो है तो कुछ कहेंगे नहीं उसको, ही इज जस्ट अ मेजर शेयर होल्डर, दैट्स इट। मैं आपको होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन सिखा रहा हूं, ठीक है ना? सो एक रास्ता क्या होता है होल्डिंग सब्सिडरी बनने का, कि जब आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे होंगे, ठीक है, जब आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे होंगे, सब्सिडरी कितनी भी करो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ सब्सिडरी पे कोई दिक्कत नहीं है, जितनी आपको करनी है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी आप सब्सिडरी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, लेयर कितना होगा? दो ही लेयर अलाउड है, वो अपने को है नहीं, वो सब सीए फाइनल में होगा, वो सब सीए फाइनल में आएगा। जैसे अभी मैं बोलता हूं, मैंने बेबी में इन्वेस्ट किया, मैंने अज्यूम करो एक कैटरीना था उसमें इन्वेस्ट किया, राखी था उसमें इन्वेस्ट किया, दिशा पटनी लिमिटेड था उसमें इन्वेस्ट किया, धोनी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया मैंने, चलेगा। किसी का भी मोर देन 50% अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, किसी में भी अगर मोर देन 50% इन्वेस्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ सब्सिडरी कितनी भी हो सकती है, लेयर दो ही हो सकते हैं, खाली लेयर दो ही हो सकते हैं, क्लियर? अच्छा, अब एक रास्ता होता है जब आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे होंगे, हमेशा देखना 50% पे सब्सिडरी नहीं बनते हो, 50% पे नहीं बनते हो, किस पे बनोगे? मोर देन 50% पे बनोगे। दूसरा रास्ता होता है मोर देन हाफ ऑफ बोर्ड को आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। क्या है बच्चों? मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड को आप कंट्रोल कर रहे हो, जैसे कि बेबी जी के पास, ठीक है, बेबी जी के पास सेवन डायरेक्टर्स, ठीक है, सात में से चार डायरेक्टर को एबी लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स, वो बोलते हैं चलो उठो, वो लोग उठते हैं, वो बोलते हैं बैठो, बैठते हैं, वो बोलते हैं लेटो, लेटते हैं, ए नाचो, नाचते, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, बेबी लिमिटेड के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को वो कंट्रोल कर रहे हैं। जब बच्चों मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को वो कंट्रोल कर रहे हैं, स्टिल
एबी बिकम्स ए होल्डिंग कंपनी, बेबी बिकम्स ए सब्सिडियरी कंपनी. एबी बिकम्स ए होल्डिंग कंपनी, बेबी बिकम्स ए सब्सिडियरी कंपनी. सो ऑलवेज रिमेंबर देयर आर टू वेज टू बिकम होल्डिंग सब्सिडियरी. टू वेज टू बिकम होल्डिंग सब्सिडियरी. एक होता है जब आपने पैसे लगाए होंगे, कितने परसेंटेज बेटा, मोर देन 50%, मोर देन 50%. दूसरा होता है क्या, जब आपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रखा होगा, मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स को आपने अपॉइंट कर रखा है, या वो आपके इशारों पे नाच रहे हैं. सो उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्या बोलते हैं उसको अपन, कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आर यू थ्रू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी? वसूल है PUSC मतलब बेटा पेड अप शेयर कैपिटल. PUSC मतलब पेड अप शेयर कैपिटल. ठीक है. अच्छा सर एसोसिएट कंपनी क्या होती है? एसोसिएट कंपनी क्या होती है? अब ध्यान से सुना, बहुत इजी हो जाएगा अभी. अगर मेरी कंपनी ने किसी कंपनी में, फॉर एग्जांपल अज्यूम करो नंदिनी चिप्पा लिमिटेड, नंदिनी जी, सो नंदिनी लिमिटेड में अगर हमने इन्वेस्ट कर रखा है कितना परसेंट भैया, अगर हमने नंदिनी लिमिटेड में 20% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, कितना परसेंट बच्चों, मिनिमम 20% अगर हमने इन्वेस्ट कर रखा है, कितना परसेंट, मिनिमम 20% अगर हमने इन्वेस्ट कर रखा है ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, सो नंदिनी लिमिटेड बन जाएगी हमारे लिए एसोसिएट कंपनी. क्या बन जाएगी? एसोसिएट कंपनी. सो हमेशा ध्यान रखना, टू बिकम एसोसिएट कितना होता है आपका, 20-50%. अगर आपको बनना है सब्सिडरी तो कितना होगा सर, मोर देन 50 अप टू 99.99999%. अगर आपको बनना है होली ऑन सब्सिडरी तो कितना परसेंट होना चाहिए, 100% होना चाहिए. कितना परसेंट होना चाहिए बच्चों, 100%. बेसिक्स क्लियर? इतना एसोसिएट बनते अपन 20-50 पर, सब्सिडरी बनते मोर देन 50 अप टू 99.99999, 100% में क्या बन जाओगे आप, होली ऑन सब्सिडरी बन जाओगे. क्या आपको डेफिनेशन क्लियर है? ठीक है. अब देखिए सर, एसोसिएट कंपनी मींस इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, मींस अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी, क्योंकि सब्सिडियरी तो अलग होती है, एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर. सर आप कितने परसेंट पे बनते हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है पर, एटलीस्ट 20%. कितना परसेंट है बच्चों, एटलीस्ट 20%, मतलब मिनिमम 20%, मतलब नॉट लेस देन 20%. ठीक है. फिर जॉइंट वेंचर के डेफिनेशन दे रखे हैं, जॉइंट वेंचर मींस जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय बोथ द पार्टीज हैव जॉइंट कंट्रोल ओवर एन अरेंजमेंट. जैसे एक बिल्डिंग बना दिया अपन ने, या अपन ने क्या किया, एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करे, उसके लिए अपन ने जॉइंट वेंचर किया, तो वो भी क्या हो जाएगी आपकी एसोसिएट कंपनी हो जाएगी. परसेंटेज याद रखेगा 20% पे आप एसोसिएट बनते हो. देन एग्जाम में अगर आपको कोई बहुत रेयर एग्जाम में आए, ठीक है, बहुत रेयर है, अगर वो कहता है शेयर्स हेल्ड इन फिडिशियरी कैपेसिटी, क्या बोल रहे बच्चों, शेयर्स हेल्ड इन फिडिशियरी कैपेसिटी शैल नेवर बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग कि वो एसोसिएट है, कि वो आपकी सब्सिडरी है, कि वो आपकी होली ओन सब्सिडरी है. सर फिडिशियरी कैपेसिटी मतलब क्या होता है, वहां लिख दीजिए ट्रस्टी कैपेसिटी. कौन सी कैपेसिटी? ट्रस्टी कैपेसिटी. फॉर एग्जाम्पल मैंने बेबी जी को क्या बोला, मैं अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैंने पैसे दिए, 20% शेयर्स दिया, तो आप मेरे क्या बन जाओगे, एसोसिएट. आपके शेयर्स मेरे पास गिरवी रखे हुए हैं, मैंने पैसे दे के नहीं लिए, एज अ सिक्योरिटी रखा हुआ है. तो पिक्चर में क्या लग रहा है, एबी लिमिटेड के पास बेबी जी के शेयर्स है. अरे पर क्या हमने खरीदे बच्चों? नहीं, वो लोग भी हमसे शायद लोन वोन ले रखा होगा, तो हमको सिक्योरिटी दे रखी है, हम एज अ ट्रस्टी रखे हुए हैं, खाली उसको संभाल रहे हैं हम उसके मालिक नहीं है, हम उसके ओनर नहीं है. तो वो शेयर्स को कभी भी आप काउंट नहीं करोगे. आपको काउंट क्या करना है, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, जो 20% आपने पैसा लगाया है, वो आप उसको काउंट करोगे. समझा आपको? सो ट्रस्टी कैपेसिटी, फिड्यूशियरी कैपेसिटी शैल नेवर बी काउंटेड. ये दोनों में, सब्सिडरी के लिए भी, एसोसिएट के लिए भी. ठीक है. तो ये हो गया आपकी एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन. नाउ पेज नंबर 1.13 पर होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन है. देखो अभी, होल्डिंग कंपनी मींस इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज
अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी, इट इंक्लूड्स बोथ कंपनी ऑल्सो एंड बॉडी कॉर्पोरेट ऑल्सो। अब ये क्या बोलता है, होल्डिंग कंपनी मीन्स विच इंक्लूड सब्सिडरी कंपनी। कहाँ जाने का अपने को, सब्सिडरी कंपनी के डेफिनेशन रेफर करने का, किधर, 287 पर, 287 ये देखो, ये रहा पेज नंबर है बच्चा 1.25। देखो क्या कहता है, सब्सिडरी कंपनी मीन्स इन रिलेशन टू एनी कंपनी, अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड। ये मैंने आपको सिखाया, कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड मतलब सर क्या, मोर देन हाफ को वो कंट्रोल कर रहा है। नंबर टू, विच एक्सरसाइज द कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मोर देन हाफ मतलब सर मोर देन 50% टूगेदर विद वन और मोर ऑफ इट सब्सिडरी बताए, वो संता फिर वो बनता में हम लोग होल्ड कर रहे हैं। Provided that such class or class of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers as may be prescribed. वो मैंने आपको बता दिया है, कितने layers allowed है खाली, दो layer allowed है खाली, कितने layer allowed है खाली, दो layer allowed है। क्या आपको holding subsidy समझा? फिर वो कहता है fiduciary capacity shall not be counted for the purpose of determining holding subsidy. Trustee capacity वाला जो आपको example दिया था वो कभी भी count नहीं करना है आपको। क्या आपको होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट समझा डेफिनेशन? इजी है। चलो 5 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं, हल्का होकर आ जाओ, लघु शंका ब्रेक, फिर अपन लिखेंगे। फाइव मिनट्स ब्रेक, ठीक है, ये आना लिखवाऊंगा फिर नोट्स, फिर लिखवाऊंगा। 5 मिनट्स का ब्रेक, 5 मिनट बाद मिलते हैं।
आ गए सब लोग? चेक चेक, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, 1 2 3 चेक। वेलकम बैक टू द क्लास गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। बुक की हार्ड कॉपी अभी बुक बन रही है, टाइम लगे, मैं आपको बता दूंगा बुक की हार्ड कॉपी कहाँ से लेनी है, अभी टाइम लग रहा है। ठीक है, अब आ जाओ, एक दो और डेफिनेशन कर लेते हैं फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। तो अराउंड 130 हमेशा अपन ऐसा रूल करेंगे, टिल 130 पढ़ेंगे, 132 लिखेंगे अपन रोज। ठीक है, अब एक डेफिनेशन है हमारी गवर्नमेंट कंपनी की, डेफिनेशन देख लेते हैं। ये देखो, अब आती है गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन। तो सारी जो बड़ी बड़ी डेफिनेशन मैं आपको अभी करा रहा हूँ, फिर अपन लिख लेंगे नोट्स। पेज है 1.13, 1.13। बाबू आ जा, देखो अभी अभी गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। आवाज और कम हो गई। चेक माइक टेस्टिंग, 1 2 3 चेक। हेलो हेलो, अभी तो देखो पूरी कर दी मैंने आवाज। नाउ ध्यान से देखना, अभी एक कंपनी है ए लिमिटेड, बच्चों एक कंपनी है ए लिमिटेड, इस कंपनी में अगर मिनिमम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ, मिनिमम 51% इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ, देन ए लिमिटेड बच्चों क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। कोई मेरे को चैट में एग्जाम्पल लिख के बताएगा, कोई सुना आपने गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम्पल? गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पल, भेल, गेल, सेल, भेल, गेल, सेल, रेल, तेल, जेल, मेल, पेल, ये सारी क्या है? हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। जो बच्चे कह रहे हैं LIC भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तहे दिल से शांति दे, साष्टांग शांति दे उनको, उनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, कल ही तुमको सिखाया, अगर तुमको कंपनी को आइडेंटिफाई करना है तो नाम के पिछू, नाम के पिछू, नाम के पिछू लिमिटेड होना चाहिए। नाम के पिछू क्या होना चाहिए बच्चों? लिमिटेड होना चाहिए। अभी भी लोग कह रहे हैं ONGC, ONGC इज ऑल्सो नॉट अ कंपनी, इट इज अ कॉर्पोरेशन। LIC इज नॉट अ कंपनी, इट्स अ कॉर्पोरेशन। कंपनी आइडेंटिफाई करना है तो नाम के पिछू, नाम के पिछू, नाम के पिछू क्या होना चाहिए? लिमिटेड होना चाहिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर कंपनी होगी तो नाम के पीछे लिमिटेड हमेशा होगा, ध्यान रखिएगा। एंड कोक
कोल इंडिया लिमिटेड, वेरी गुड। अगर आपको देखने के वो गवर्नमेंट कंपनी है तो नाम के देखो ऐसे भारी भारी शब्द, भारत, इंडियन, हिंदुस्तान, महानगर, ठीक है, ये भारी भारी शब्द मिलेंगे तो क्या होती है वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। क्या होती है बच्चों? वो गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा ध्यान से सुना, ए लिमिटेड ने, ए लिमिटेड ने मोर देन 50%, मोर देन 50% हरीश लिमिटेड में पैसे डाल रखे हैं, तो सर ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी होल्डिंग कंपनी, ये हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी। माय क्वेश्चन इज हरीश लिमिटेड, इज हरीश लिमिटेड अ गवर्नमेंट कंपनी? इज हरीश लिमिटेड बच्चों अ गवर्नमेंट कंपनी? जल्दी से चैट में लिख के बताइए, इज हरीश लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी? चीयर्स। यस सर, सर हरीश लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी बिकॉज इट इज अ सब्सिडरी, इट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो यहां से एक और रूल आता है, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। क्या बोलोगे आप? सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। बच्चों अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो इसके इसके ऑडिटर कौन होंगे? एक बहुत ही बड़े आदमी होते हैं जिसको हम कहते हैं कंट्रोलर, कंट्रोलर नहीं है बच्चों, एक मिनट बाबू, या इसको क्या कहेंगे हम लोग? अगर इसके जो ऑडिटर हैं कौन होंगे सर? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या बोलोगे आप इसको बच्चों? कंट्रोलर नहीं है। स्पेलिंग कैसे याद करनी है? कॉम्प टी रोलर, कॉम्प टी रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे इसको अपन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सी ए जी, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इनकी ऑडिट करता है। कौन है हमारे कैग में? आपको दिखाया तो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे कैग है, ऐसे दिखते हैं ये। गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे करंट कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये ही ऑडिट करते हैं, इन्हीं की साइन होती है ऑडिट रिपोर्ट पे जब वो गवर्नमेंट कंपनी की अपन ऑडिट की बातें करते हैं। क्लियर? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए डेफिनेशन क्या है सर। गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। बच्चों नॉट लेस देन 51%, सर नॉट लेस देन मतलब क्या हो जाएगा? मिनिमम 51%, मतलब सर एटलीस्ट 51%। आई एम यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स बिकॉज वो एमसीक्यू का गेम है ना। इज हेल्ड बाय सीजी और एसजी और पार्टली बाय सीजी पार्टली बाय एसजी मतलब बोथ, एंड इट इंक्लूड्स अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, and it includes a subsidiary company of such government company. Clear? Now, जब भी आप paid up share capital बोलेंगे हमेशा क्या होता है, क्या consider करने का अपने को? Total voting power. Total voting power मतलब sir equity share वाले, मतलब preference को count नहीं करते। जब भी आप percentage निकालेंगे ना, आप associate company निकाल रहे हो, आप holding subsidiary निकाल रहे हो, आप government company निकाल रहे हो, 20% निकाल रहे हो, मोर देन 50 निकाल रहे हो, 51 निकाल रहे हो, हमेशा पेड अप शेयर कैपिटल को क्या बोलने का? टोटल वोटिंग पावर। मतलब वोटिंग पावर कहाँ मिलती है अपने को? इक्विटी शेयर्स में। तो प्रेफरेंस शेयर्स को इग्नोर करने का, परसेंटेज निकालते वक्त प्रेफरेंस शेयर्स को इग्नोर करने का, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखिए, लोगों ने दे रखा है एक्स लिमिटेड कंपनी इन विच 25% इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, 15% इज हेल्ड बाय सीजी एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। माई क्वेश्चन इज एक्स लिमिटेड अ गवर्नमेंट कंपनी? बोलो बच्चों बताओ, इज एक्स लिमिटेड अ गवर्नमेंट कंपनी? जल्दी से चैट में लिख के बताओ।
नहीं सर, नहीं सर, 25% कौन होल्ड कर रहा है? देखो जब भी ऐसा है कंफ्यूजन हो, क्या करने का, ऐसा डायग्राम बना लेने का अपने को। एक्स लिमिटेड है, 25% कौन होल्ड कर रहे हैं? सीजी होल्ड कर रहे हैं, 10% एसजी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, 15% सीजी प्लस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान होल्ड कर रहे हैं। सो 25 प्लस 10 इज 35, 35 प्लस 10 इज 50, 50 ही हुआ बच्चा, 50 ही हुआ बेटा। गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए अपने को? 51% चाहिए। 51% ऑफ पेड अप कैपिटल शुड बी हेल्ड बाय सीजी एसजी और बोथ, यहां पर तो 50 ही हुआ ना। तो बाबू इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, समझा? तो ऐसे क्वेश्चन आपको ये 1 मार्क 2 मार्क के एमसीक्यू बनकर आ सकते हैं। क्लियर बेटा? मोर देन 51 नहीं है, मिनिमम 51 है यार। मैंने बहुत बहुत शांति से समझा आपको। होल्डिंग सब्सिडरी में हम कहते हैं मोर देन 50%, होल्डिंग सब्सिडरी में कहते हैं हम लोग मोर देन 50%। जब मैं गवर्नमेंट कंपनी की बातें करता हूं तो मिनिमम 51 कहते हैं, मिनिमम 51 एटलीस्ट, नॉट लेस देन। एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट सीए इंटर। वेलकम टू सीए इंटर सिंगम। आली रे आली तुमची बारी आली, आली रे आली तुमची बारी आली, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। धमाल है, ठीक है। अब देखो फिर एक डेफिनेशन आती है आपकी फ्री रिजर्व की, ये भी एग्जाम में आई हुई कि जब इंटर मतलब ओल्ड सिलेबस में आई हुई है। सब फ्री रिजर्व मतलब क्या होता है? रिजर्व विच आर फ्री, आर फ्री रिजर्व, रिजर्व विच आर फ्री, विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड इज कॉल्ड एज फ्री रिजर्व, इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्री रिजर्व। हाउएवर अगर कुछ अनरियलाइज गेन्स है या नोशनल गेन्स है या रिवैल्यूएशन पे जो पैसा आया, इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व। एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन्स, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट और एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन असेट और लाइबिलिटी विच इज इंक्लूडिंग पीएनएल इज नॉट अ फ्री रिजर्व, इज नॉट अ फ्री रिजर्व। अरे एक्चुअली में पैसा जो कमाया तुमने वो आपका क्या है? फ्री रिजर्व है। रिवैल्यूएशन का पैसा आ गया आपके पास, ठीक है, नोशनल गेन्स हो गया, अनरियलाइज गेन्स हो गए, वो आपके फ्री रिजर्व नहीं होते हैं। डेफिनेशन 2 मार्क की, क्योंकि देखो मई 24 में मेरे को रिस्क निर्णय का पहला अटेम्प्ट में कुछ भी आ सकता है, तो अपने को सब चीजें पता होनी चाहिए। देन अच्छा, किसी बच्चों को बात करनी है चैट पर, किसी का मैसेज आया था तो भेजो मेरे को रिक्वेस्ट, बात कर लेंगे अपन, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा भी। अल्फा टू बाबू किसको बात करना है, भेजो रिक्वेस्ट। इतने सारे लोग हैं, एक दो का लेते हैं। हाँ मयंक, हेलो। हाँ मयंक आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून, बोलो मयंक, कौन से शहर से हो आप बताओ, क्या दिक्कत, क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही? हाँ बोलना, सब ओके? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू। मजा आ रही है क्लास में? बढ़िया है। नेक्स्ट, जिसकी जो भी डाउट है चैट में लिखते जाइए, मैं मैसेज देख रहा हूं। नेक्स्ट लावण्या शेठ, एम आई ऑडिबल? या हाय लावण्या, या आपको समझ आ रहा है लॉ पूरा? कौन से शहर से आप? यू अंडरस्टैंड हिंदी? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, ग्रेट। डू रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। ओके एन ए कार्तिक, एम आई ऑडिबल? या हाय कार्तिक, गुड आफ्टरनून, हाउ इज द क्लास गोइंग? कर्नाटका से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है।
थैंक यू कार्तिक, थैंक यू, हाँ थैंक यू, चल। अभी बाकी बाद में बात करेंगे। अल्फा टू इंदरजीत, अल्फा टू इंदरजीत प्लीज बिहेव योर सेल्फ, बेटा आप क्लास में हो। इंदरजीत का स्नैपशॉट लेके उनके पापा जी को भेजा जाए और उनकी मम्मी जी को भेजा जाए, जल्दी से भेजा जाए, जल्दी से भेजा जाए। इंदरजीत का जियो टैग लोकेशन निकाल के, आईपी एड्रेस निकाल के भेजा जाए इनको लोकेशन। फ्री रिजर्व बताते हैं, फ्री रिजर्व बताते हैं, गवर्नमेंट कभी तभी मानी जाएगी। अरे भैया पहले गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए आपको 51% स्टेक रखना पड़ेगा, फिर वो 51% वाली जो कंपनी है उसने अगर मोर देन 50 रखा है तो वो सब्सिडरी बन जाएगी अपनी गवर्नमेंट कंपनी ना। पहले आपको गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन पूरी करनी पड़ेगी। पहले वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं हुई ना, गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए 51% है और सब्सिडरी भी नहीं, क्योंकि सब्सिडरी बनने के लिए मोर देन 50% होता है और सब्सिडरी बनने के लिए एक कंपनी दूसरी कंपनी में पैसा डालती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में पैसा डालती है। ठीक है बेटा, फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, यही सिंपल डेफिनेशन है। रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इज कॉल्ड एज फ्री रिजर्व। एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, वेदर शोन एज रिजर्व और अदरवाइज। मतलब अनरियलाइज गेन हो गया, नोशनल गेन, जो कमाए नहीं है पैसा। जैसे हम लोग जब शेयर्स खरीदते बेचते हैं, जब हम लोग FNO करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, हमने पैसा कुछ खरीदा ही नहीं है, शेयर्स कुछ खरीदा ही नहीं है, मतलब खाली अनरियलाइज गेन है, बेचा नहीं है मैंने, जिस दिन मैं बेचूंगा उस दिन मेरे को गेन आएगा, तो वो मेरा नोशनल गेन होता है, अनरियलाइज गेन होता है, तो वो फ्री रिजर्व नहीं होता। एनी चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट और लाइबिलिटी, जब मैं रिवैल्युएशन करता हूँ तो रिवैल्युएशन किया है ना मैंने, एक्चुअली में थोड़ी पैसा कमाया मैंने, तो वो फ्री रिजर्व नहीं होता है। तो डेफिनेशन में कवर्ड है कि भैया नोशनल गेन्स, अनरियलाइज गेन्स, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी इज नॉट अ फ्री रिजर्व। क्लियर? चलिए नोटबुक निकालिए, अभी नोटबुक निकालिए, मैं आपको क्लास में लिखवा रहा हूं। अभी हेडिंग दीजिए, फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर वन, प्रीलिमिनरी। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? प्रीलिमिनरी चैप्टर वन डैश 4 marks। यस वंदना जी, यस स्वाति जी, यस अंजलि जी, कृष्णकांत यादव जी, गवर्नमेंट कंपनी के लिए मिनिमम 51% होना चाहिए, मिनिमम 51%। क्या इस बार भी आप हमें ताज होटल लेके जाओगे? निखिल कुमार, अगर आपको 70 mark आएंगे तो जाएंगे पक्का। लिखा, अब लिखो नीचे, कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया डैश सेक्शन वन, डैश सेक्शन वन, डैश सेक्शन वन। फिर तो नंबर वन आपने लिखा, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया डैश सेक्शन वन। नंबर टू, डेफिनेशंस डैश सेक्शन टू, डैश सेक्शन टू। तो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मैं पहले आपको वही लिखवा रहा हूं, ठीक है?
इसमें पहला कैंडल जलाइए, रिलेटिव 2 7 7, रिलेटिव 2 7 7, कॉपी दिस ऑन द स्क्रीन। कॉपी दिस ऑन द स्क्रीन। मयंक मुद्गल 2 लेयर्स अलाउड है खाली। इस चैप्टर के पहले नोट्स बनाए फिर भी लिखू क्या फिर से आज? बेटा आपकी बुक, आपका पेन, आपका एग्जाम, आपका रिजल्ट, आपका पैसा, आपका इंटरनेट, आपकी इच्छा। हम कभी किसी को फोर्स नहीं करते। आपके पैसे, आपके पापा के पैसे, आपके पापा का इंटरनेट है, आपकी जो इच्छा कीजिए। डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी वैसे भी। रिलेटिव्स लिखिए, लेट मी नो वंस इट इज डन। रिलेटिव्स डन बेटा। 2 लेयर मतलब होता है सब्सिडरी, सब सब्सिडरी। मैं सब 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 सब्सिडरी नहीं कर सकता, सब्सिडरीज कर सकता हूँ। कैटरीना में पैसा डाला, आलिया में पैसा डाला, रणबीर में पैसा डाला, धोनी में पैसा डाला। धोनी के नीचे अपन एक और कंपनी बना सकते हैं, बस सब सब 2 ही लेयर अलाउड होता है। डन। देन नंबर 2 लिखिए, फाइनेंशियल ईयर। नंबर 2 फाइनेंशियल ईयर। कॉपी फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन, कॉपी फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन, एंड इसके नीचे भी कुछ और लिखना होगा। सेक्शन इज 241, 241। Kiss.
रात होगी, इश्क वाले रास्तों पे अपनी बात होगी, अंबर में तारों की बारात होगी, ढूंढेगी ये दुनिया पर तू मेरे साथ हो। ओके नाउ इसके नीचे आप लिखेंगे अभी डन, इसके नीचे लिखो इफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉपरेट, इसके नीचे जस्ट इफ अ कंपनी और बॉडी कॉपरेट इज अ होल्डिंग स्लैश सब्सिडरी, इफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉपरेट इज अ होल्डिंग स्लैश सब्सिडरी स्लैश एसोसिएट, होल्डिंग स्लैश सब्सिडरी स्लैश एसोसिएट कंपनी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड वापस से बोलू, if a company or a body corporate is a holding slash subsidiary slash associate company of a company incorporated outside India, of a company incorporated outside India is required to follow a different financial year is required to follow a different financial year for the purpose of consolidation कॉमा नेक्स्ट लाइन पे लिखिए, नेक्स्ट लाइन पे आइएगा कॉमा मारने के बाद, देन सीजी में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट मे अलाउ एनी पीरियड एज इट्स फिनेंशियल ईयर whether or not that period is a year, whether or not that period is a year. Clear? थर्ड लिखिए, सब्सिडरी कंपनी 287
246 287, and draw this. What do you see on the screen? खेलो ना, वो भी रियल लोगों के साथ। पूरे 7 करोड़ लोग खेल रहे हैं वहाँ पे। अरे क्या यार कपिल, सिर्फ रियल प्लेयर्स के साथ खेलो इंडिया का अपना गेम लूडो। आज ही zoopy.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। बंधन के मुटियारा पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके बंधन के मुटियारा पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके मेरे सोने आ सोने आवे वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना मेरे सोने आ सोने आवे वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल इसके नीचे लिखो इफ अ कंपनी होल्ड्स इसके नीचे मोर देन इफ अ कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल PUSC लिखना है PUSC लिख दीजिए पेड अप शेयर कैपिटल लिखना है पेड अप शेयर कैपिटल लिख दीजिए If a company holds more than 50% of paid up share capital of another company, or controls the composition of, or controls the composition of Board of Directors or controls the composition of Board of Directors, comma, next line piana, then such company becomes subsidiary company. And the first company becomes the holding company. फिर नेक्स्ट लाइन पे आना, डोंट चेंज एनी पॉइंट, उसी का कंटिन्यूएशन है नेक्स्ट लाइन पे। If a holding company along with its
इफ अ होल्डिंग कंपनी अलॉन्ग विद इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज, इफ अ होल्डिंग कंपनी अलॉन्ग विद इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज होल्ड्स मोर देन, होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, मोर देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अनदर कंपनी, ऑफ अनदर कंपनी देन सच अनदर कंपनी, देन सच अनदर कंपनी becomes a subsidiary, then such another company becomes a subsidiary of main holding company, main holding company. Main holding company. फिर नीचे आइए, हैशटैग मारिए और वहां लिखिए शेयर्स हेल्ड, वहां लिखिए हैशटैग मार के शेयर्स हेल्ड इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी, शेयर्स हेल्ड इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी, शेयर्स हेल्ड इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी, ब्रैकेट में लिखिए ट्रस्टी कैपेसिटी, शैल नॉट बी काउंटेड, शैल नॉट बी काउंटेड. देन नंबर फोर्थ क्वेश्चन लिखो, मतलब डेफिनेशन चल रही है अभी, उसमें फोर्थ पॉइंट एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी राइट देयर, इट मींस वेयर अ कंपनी हैज, इट मीन्स, अच्छा उधर लिखना ब्रैकेट में डैश टू क्लॉज सिक्स, मतलब जो क्वेश्चन लिखा ना आपने एसोसिएट कंपनी डैश सेक्शन टू ब्रैकेट में सिक्स, मेन सेक्शन नंबर टू याद रखो, क्लॉज नहीं याद हो तो चल जाएगा, सेक्शन नंबर टू जरूर लिख देना. ठीक है, वापस बोलता हूँ, इट मीन्स अ कंपनी विच हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, it means a company so main isko likh deta hu confusion na ho jaye, it means a company in which another company has significant influence, that is holding, एक मिनट आ रहा हूं, इट मीन्स अ कंपनी इन विच अनदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, दैट इज होल्डिंग मिनिमम 20% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, दैट इज voting power and includes a joint venture, and includes a joint venture, and includes a joint venture.
क्लियर है? थैंक यू। एक और लिख लो, लास्ट लिख लेते हैं, फिर क्लास बंद कर देंगे अपन। फिफ्थ लिखिए, फ्री रिजर्व्स। अच्छा, गवर्नमेंट कम नहीं बचा। फिफ्थ लिखिए, फ्री रिजर्व्स। वहां लिखिए, इट मींस फ्री रिजर्व्स के बाद डैश 243, सॉरी, फ्री रिजर्व्स डैश सेक्शन 243 डैश 243 लिखो वहां पर। फ्री रिजर्व्स मींस रिजर्व्स विच आर अवेलेबल, रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन पर आना, डोंट चेंज एनी पॉइंट। लिखो, एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग unrealized gains, comma, notional gains, comma, revaluation of assets, comma, revaluation of assets, comma, change in carrying amount of change in carrying amount of asset or liability change in carrying amount of asset or liability shall not be treated as free reserves, shall not be treated as free reserves. खत्म। गवर्नमेंट कंपनी कल लिख लेंगे अपन। समझा बच्चों आपको? मजा आया आपको क्लास में? कल ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, जो छोटी छोटी डेफिनेशन वो बची हुई है कल लिखना है, खत्म करना है कल। कल ये अपना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो 15 चैप्टर में से कल आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। कैसा लगा क्लास? लगा कैसा? पेपर में कैसे प्रेजेंट करें दीदी? आंसर शुरू तो शुरू तो डेफिनेशन है, अभी तो डेफिनेशन है भैया, अभी तो बहुत लंबी दूर है, दिल्ली बहुत दूर है अभी तो। ठीक है, सो कल मिलेंगे अपन 12 बजे। कल मैं क्लास ले रहा हूँ, कल संडे का दिन है, आगे से नहीं होंगी संडे को क्लास, बट कल होंगी 12 बजे। कल आ जाइएगा। तो आपको कल 12 बजे मिलेंगे अपन, दोस्तों को भी लेकर आना। और ऐसे गाना सुनते सुनते हम क्लास में नोट्स बनाते हैं, तो भले वो ऑनलाइन बैच हो, भले वो फेस टू फेस बैच हो, भले वो इंटर हो, भले वो फाइनल हो, कहीं भी हो, मैं बिना गाने के नहीं लिखवा सकता, मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, दिक्कत है। ठीक है, सो कल मिलेंगे अपन बच्चों, आइएगा जरूर, दोस्तों को भी बता दीजिएगा। डू सब्सक्राइब टू एकाग्रता चैनल एंड एकाग्रता का बैच ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर खाली 10 ही क्लास आएंगी। 11 सितंबर से क्लासेज होएंगी, वो खाली ऐप पे चलेंगी। 11 सितंबर से क्लास खाली ऐप पे चलेंगे, तो यहाँ पर आई थिंक हम 2 या 3 चैप्टर खत्म कर पाएंगे, बाकी सारे फिर ऐप पे चलेंगे। वही 12 से 2 का टाइम होगा, 50 दिन का बैच होगा, 100 सवा 100 घंटे में, 110 120 घंटे में आराम से आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा।
दो लेयर्स का मतलब बेटा एबी लिमिटेड ने बेबी में पैसा डाला, बेबी ने संता में डाला, तो दो लेयर हुआ ना, बेबी एंड संता, दो ही लेयर अलाउड है। बाजू में आप कैटरीना में पैसा डालो चलेगा, राखी में पैसा डालो चलेगा, आलिया में पैसा डालो चलेगा, लेयर दो ही है खाली बस। ये याद करके आना है क्या बेटा? याद तो करना ही पड़ेगा ना, एग्जाम है अपनी, चार मई को एग्जाम है। मैं थोड़ी मेरे मुजरा के लिए लिखवाया यहाँ पर कि नहीं नहीं मैं मुजरा करूँगा, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, थोड़ी मुजरे के लिए तुम गाना गाओगे, याद करना पड़ेगा ना, एग्जाम में आएगा बेटा। नहीं तो मेरे को क्या मजा आ रहा है लिखवाने में, नॉनसेंस। ठीक है चलो, तो पलटन कल मिलते हैं अपन, पढ़कर आना, लिख कर आना। डेफिनेशन कैसे लिखना है? जैसे मैंने लिखवाया तभी तो लिखवाया, अपने ओन वर्ड्स में, अपने ओन में लिखा है, पेपर पूरा अपने ओन वर्ड्स में लिखने का, जैसे लिखवा वैसा ही शेप कराने का अपने को। चलो कल मिलते हैं अपन, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर रैंक और 70+ व्हिचएवर इज अर्लियर। बाय गाइस, टेक केयर।